अस्सलाम वालेकुम यार, एक नई वीडियो के साथ वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं। और वंस अगेन मैं मौजूद हूँ, मेरे लेफ्ट पे हैं कुर्तबा चौक, राइट साइड पे मेरे हैं अब्दुल्ला जूस कॉर्नर। तो यार आज हम इनके जूस को ट्राई करने वाले हैं। मैंने ना इनका मेन्यू देखा, बड़े यूनिक जूसेस हैं इनके पास। तो आज हम इनका देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि जूसेस बच्चे कैसे हैं, बाकी जो ऑनर है उनसे बात भी करेंगे। तो आओ जरा वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बड़ी अमेजिंग होने वाली है, बड़ी कमर्शियल रेसिपीज आज आपको मिलने वाली है। वीडियो को ज़्यादा एंड तक देख रहे हैं आपने, आओ हमारे साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारे साथ हैं इस वक्त अब्दुल्ला भाई हैं हमारे, और ये अब्दुल्ला जूस कॉर्नर के जो है ओनर है। तो अब्दुल्ला भाई सबसे पहले हमें बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? मुझे इधर तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं ये जूस कॉर्नर जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने काम शुरू किया है, असल जो मेरा बेसिकल जो मेरे कुछ अजीज़ हैं वो ये काम करते हैं। अच्छा, जूस आइसक्रीम का। तो वैसे तो मेरा गाड़ियों का काम था, इसका मुझे बड़ा शौक था कि मैंने इस काम को करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। यानी आपका बस वो क्या करने का शौक था, वो आपने पूरा किया शौक को? बड़ी अच्छी बात है यार, शौक का अगर आपका जो है कोई सही माच बन जाए तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो अच्छा आपकी स्पेशलिटी क्या है, कौन सा जूस है वो सबसे ज़्यादा बिकता है? हमारे पास हर किस्म का जूस होता है, और उसमें जो सीज़न का हिसाब होता है। हाँ वो मैंने सीज़न के हिसाब से ये होता है कि अभी कैसे चल रहा है, अभी तो आया है स्ट्रॉबेरी वो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली। अब आ गया आलू बुखारा, आ गया आड़ू, आ गया पालसा, आ गया। तो जो सीज़न होता है, जैसे पहले इससे पहले मौसमी थी, ग्रेपफ्रूट था, किन्नो था, वो ख़त्म हो गया है। तो वो उसको ये होता है कि अगर कुछ लोग उसको स्टोर कर लेते हैं उसके बाद भी वो चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जो भी सीज़न का है वो यही है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, और आड़ू है, आलू बार है, और फाक्स है। अच्छा आपसे इस बार में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर आप जाएंगे देखेंगे कि बनता कैसे। जी जी। लोग दूसरे जूस कॉर्नर तो छोड़ के आपकी खासियत है, सिर्फ मुझे एक बात आपकी खासियत क्या? जी जी बिल्कुल, मैं बल्कि आपका मशहूर हूँ। नहीं नहीं, कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है। अच्छा अच्छा। और मैं आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है, और मैं इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा ये इस सवाल का जवाब देना पसंद करूँगा कि मैं कुछ जगह पे गया और मैंने देखा भी कि कुछ लोग जो हैं बड़ी बड़ी शो वाले भी वो क्या करते हैं, सबसे पहले सफाई, दूसरा जो है वो म्यार, ये दोनों चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो अब हमने मैंने देखा कि यार मैं किसी शो पे जाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले सफाई और जो क्वालिटी है इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। नहीं। तो अब मैंने ये काम शुरू किया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काम में मैंने नियत की है, अपने स्टाफ को भी, अपने लड़कों को भी कहा, खुद भी इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ कि मैं चाहे जैसे भी काम करूँ, जिन मुश्किल हालात में भी काम करूँ, मैं एक क्वालिटी और दूसरा सफाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बाकी यार ये बात बहुत अच्छी है, और मैं सब फूड पॉइंट्स के जो अगर बिजनेस करने वाले मुझे देख रहे हैं तो यार ये दो चीज़ों को लाज में रखना चाहिए, और बाकी सफाई को देसी मान। तो आओ यार ज़्यादा देर नहीं करवाते हैं, आपको दिखाते हैं कि जूसेस वगैरह बनते कैसे हैं, और टेस्ट करके भी आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। तो यार हमारे पास आ गया कॉकटेल शेक हमने बनवाया, जिसमें था हमारे पास आड़ू था, पाइन एप्पल था, मैं भूल दूँगा उसको कुछ, और मैंगो था, और फालसा था। ये चार चीज़ें तो और टेस्ट करते हैं, सिंपल सा था, दूध का साथ और चीनी। तो जो सारा काम है ना वो सारा हाइजेनिक का आपने देख लिया, अगर साथ में शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं उसमें भी देख लो, मास्क वगैरह लगाया था, सब कुछ सफाई था। जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने हमें बताया, उन्हें मेरे बाल इसमें खराब हो गए, यहाँ पर बहुत बेकार दी जाती है, तो इसको कर दो इग्नोर। तो अगर इसको करते हैं टेस्ट, लकी सेंटर और मेरे राइट में है कुर्तबा चौक। लकी सेंटर के बिल्कुल नीचे अब्दुल्ला जूस कॉर्नर है। तो आप अगर इधर के
तो बाकी बड़ा ज़बरदस्त और बेस्ट है। और मेरे जो बाल हैं यार, बेड़ा खर्च हो गया सारे बालों का यार, तो वो असल में आंधी बड़ी तेज चली है, तो उस वजह से ना जो मेरे बाल थे वो तो बिल्कुल ही देखो क्या हालत बन गया। कैब नहीं पहनी तो गलती की, तो ज़बरदस्त था क्योंकि सारे लोग थे ना, उनका पिक्चर था, लाइक था, दूर का भी था, आम का पिक्चर आ रहा था, और जो दूध था इनका वो भी क्वालिटी अच्छी थी, तो काफ़ी मतलब था बता ठीक ठीक था, यानी कि यार गाढ़ा था बस ठीक, यानी कि ज़बरदस्त था। तो यार फिर वीडियो को कर देते हैं एंड, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के आपने कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कर देना। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।